हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इस आर एंड डी कार सर्विस में। दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके, जो वीडियो ये स्विफ्ट डिजायर का है इंजन, इसको मैं फुल हम लोग मिलके ओवरहॉलिंग करने वाले हैं। ये 6 लाख किलोमीटर चलने के बाद इसका फर्स्ट टाइम इंजन ओवरहॉलिंग हो रहा है। आप वीडियो में बहुत ही अच्छा सा सावधानी से देखिए क्या क्या इसमें फॉलो करना पड़ता है, कितनी बारीकी से काम करना पड़ता है। चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। हमारी सारी दोस्तों, तो ये यहाँ पे देखिए चार जो स्प्रे जेट होता है रिंग्स को और कनेक्टिंग को, जो आयल स्प्रे करता है वहाँ सबसे पहले ये बैठाएंगे। दोस्तों तो यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट का ये वायरिंग होता है, ये यहाँ पे सब फिलअप कर दिए, इसमें थोड़ा आयल डाल लेंगे। दोस्तों तो यही यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है, इसको बहुत ही बारीकी से क्लीन से चेक करना पड़ता है। इसमें कुछ कुटकी गिटकी तो नहीं है या कुछ वेस्ट गिस्ट तो नहीं है ना। दोस्तों तो इसमें इसको बैठाएंगे बोर्ड में। दोस्तों जब भी कुछ यहाँ पे आयल का जब सर्कुलेशन वाला कोई है तो उसमें आयल छोड़ते जाइए, नहीं तो पूरा फिनिश करने के बाद इसमें आयल नहीं रहा तो फिर वायरिंग गिरिंग जाम हो जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे जो क्लीन हो रहा है ये जो क्रैंक शाफ्ट है उसके ऊपर का ये होता है कवर, जिसको हम लोग इसको जालड़ी भी बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, बट आप लोग क्या बोल रहे हैं पता नहीं। मेन कैप बोल रहे हैं, मेन कैप, इसको मेन कैप भी बोल सकते हैं सर। दोस्तों आप वीडियो बहुत ही क्लीन से देखिए, ऐसा वीडियो बार बार नहीं मिलता है। दोस्तों इसको क्लीन से यहाँ पे क्लीन कर लेंगे ताकि गम लगाने के वजह से कुछ इसमें आयल गिल ना रह जाए, और वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से इसको क्लीन कर लिए हैं। अब इसमें गम लगाते हैं और इसको बैठाएंगे, देखिए। और बैरिंग तो इसका ऑलरेडी इसमें ही है, ये में डाल के है, देखिए। दोस्तों तो यहाँ पे गम लगा रहा है, देखिए। ज़्यादा पानी वेस्ट किए हुई है, इतना लेगा पैसा। क्यों इसमें पेपर क्यों डालेंगे? नहीं जी, का ऊपर रहता है वो पीछे से तोड़ दिया गिरा के वो। तुमको तो हम बोले यदि इंजन का काम करना चाहे तो काम करते रहेंगे, उधर से दो गाड़ी वाला आएगा, भैया हमारा गाड़ी कर दो, हमारा गाड़ी कर दो, इसलिए नाइट में ही सब काम होता है, कोई छेड़छाड़ नहीं, एकदम सुकून से होता है। अब जो जहाँ बैरिंग बैठता है वहाँ पर तो आयल मारना ही पड़ेगा, नहीं मारेंगे तो यहाँ पर बैरिंग जाम हो जाएगा। इंजन का काम करे या छोटा मोटा पर ध्यान नहीं देंगे तो वही फिर इंजन दोबारा खोलना हो जाता है, इसलिए पहले ही सतर्क होकर हम लोग अच्छे से यहाँ पे काम कर लेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है, अब यहाँ पे इसका कवर को अंदर डाल देंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्लीन से इसको बैठाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जितना इसका नट बोल्ट है बहुत ही क्लीन से साफ किया है, देखिए साफ करने में 1 घंटा लगा है। ठीक है, जल्दी हमको उसका बोल्ट चाहिए। भाई साहब तो यहाँ पे इसको फाइनल टाइट कर लेते हैं, हाथ से टाइट किया हुआ और गन में टाइट किया बहुत ही अंतर है, इसको कभी गन में टाइट ना करें। अब गन में टाइट कीजिएगा तो थोड़ी मालूम चलेगा कितना टाइट हो रहा है नहीं हो रहा है।
और अब इसका जो राइट रॉन्ग है उसको बोल्ट डालेंगे इस सब में दोस्तों। तो अब साइड का यहाँ पे बोल्ट डाल रहे हैं, देखिए इसको मीडियम मीडियम ही टच करें। अब एक ही बार टाइट कर दीजिएगा तो टन देन उड़ जाएगा। इसी सब के लिए वीडियो, इसी सब मकसद के लिए वीडियो बनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो राइट रॉन्ग जो गम निकल रहा है, अब टाइट करेंगे तो वैसा ही निकलना चाहिए। दोस्तों तो अब फाइनल टाइट कर लेंगे इसको, अब इधर का काम ख़त्म हो जाएगा। बस बाकी रहेगा ये वाल रोड डालना और इसका जो पीछे का नीचे का जालरी होता है कवर उसको डालना। तो यहाँ पे पूरी तरह टाइट हो गया है दोस्तों। अब इसको पलटी करते हैं और पिस्टन लोड करेंगे। चलिए आपको दिखा रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप, वीडियो मिस नहीं कीजिए, नहीं तो मालूम नहीं होगा स्विफ्ट डिजायर का इंजन कैसे असेंबली किया जाता है ओवर ऑयलिंग दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग पिस्टन अब इसमें फिलअप करने वाले हैं, इसको थोड़ा क्लीन से चेक कर लेंगे। ये देखिए इसमें ही रिंग्स आता है पिस्टन में जो लगता है, यही कंपनी का डाल रहे हैं, ये मारुति का ही आता है। दोस्तों ये तीन स्टेप में आता है, उसको अलग पहले कर लेंगे। छोटा मोटा कुछ गया, एक आयल रिंग आता है, एक टॉप रिंग आता है और एक कंप्रेसर रिंग आता है, जो बीच में कंप्रेसर रिंग रहता है दोस्तों। तो यहाँ सब स्टेप बाय स्टेप अलग कर लिए हैं, इसमें लगा के चेक कर लेंगे इसको इसके अंदर। देखिए रिंग से फिर इसमें चेक कर लेंगे दोस्तों। मेन प्रोसीजर यही है दिखाने का, यही मेन होता है लगाना। ये सबसे नीचे जो है वो आयल रिंग है, तो ये यहाँ पर लग गया है। अब सेंटर रिंग जिसको कंप्रेसर रिंग बोलते हैं, ऑफ टॉप रिंग का बारी। भाई साहब तो इसको लगाने में हड़बड़ी ना करें, ना तो ये पट से टूट जाता है, और टूट जाता है तो फिर नया ही पैकेट किनना पड़ेगा। एक यहाँ पे रेडी है, अब इसको अभी सेकंड नंबर है। ये कौन सा कट हो गया? कट गया जी आपका इंग्लेट का, उसको भी पहुँचेगा जो बोल। अब ये तीसरा नंबर जिसमें रिंग्स को फिलअप करेंगे। छिला गया है। हाँ जी छिला गया है, वेट कर लिया। टॉप रिंग फिलअप इन द पिस्टन, फोर्थ नंबर पिस्टन में आयल रिंग्स फिलअप। क्यों नहीं दोस्तों, यहाँ पे रिंग्स डाल के थोड़ा इसको क्लीन कर लेंगे। पेट्रोल डाल सकते हैं दोस्तों, इसको धोने के लिए एक पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो रेस्ट स्प्रे होता है वो भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद करा देंगे सही से, हर बार बदला देंगे दोस्तों। ये फर्स्ट नंबर पिस्टन है जो इसमें लोड होने जा रहा है, इसमें आयल डाल देंगे हर जगह। देखिए पिस्टन पे भी डाल देंगे इसमें रिंग्स में थोड़ा, अभी इसमें एक ही बार आयल जाने का अभी डाल सकता है, उसके बाद इसमें फिटिंग के बाद आयल कहाँ से डालेंगे। दोस्तों ये डाल रहे हैं, फर्स्ट नंबर है ये।
यही यहाँ पे मेन ध्यान देना पड़ता है, सबको अलग अलग घुमा कर रखना होता है, ये नहीं दिखाना था किसी को। दोस्तों तो इसका सेटिंग हम लोगों ने कर लिया है, अब ये रिंग क्लोजर डालेंगे और पिस्टन को अंदर धकेल देंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ से धकेलने की बारी, यहाँ पे जो पैक साइड में होता है, नहीं नहीं घूम रहा, यहाँ पे आता है, इसके अंदर थोड़ा इधर, इसके अंदर स्प्रे जेट होता है, उसको देख के मरिया घूमना। दोस्तों तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो पिस्टन है कनेक्टिंग बाहर आ गया है, अब इसमें बैरिंग लगा के इसको टाइट कर देंगे। फर्स्ट नंबर डालने के बाद डायरेक्ट फोर नंबर डालिए, क्योंकि यहाँ पे जो कैम शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, वो यहाँ पे इसका बाहर रहता है और यहाँ पे इसका भी बाहर रहता है, उसके बाद लास्ट में ये दोनों डाले। दोस्तों तो यहाँ पे रिंग क्लोजर को बहुत ही अच्छे से टाइट कर लेंगे पिस्टन में। इधर आएगा दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे आ गया है, परफेक्ट है। यहाँ से हाफ दे देता, दोस्तों एक राउंड नचा के यहाँ पे इसका कंप्रेसर देख लेंगे, कंप्रेसर बना रहा है नहीं, आवाज़ सुनाता होगा आप लोग को, बहुत ही अच्छा कंप्रेसर बना रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पिस्टन लोड होने जा रहा है, देखिए स्पेशल है, दोस्तों ये फोर्थ नंबर पिस्टन है लास्ट। दोस्तों ये फोर्थ नंबर कहने का मेरा मतलब हुआ कि ये थर्ड नंबर पिस्टन है बट लास्ट फोर्थ नंबर, यहाँ तीन नंबर हम लोग फिलअप करके है ना, ये तीसरा नंबर है। किराया कितना कम है पता है गाड़ी का? दोस्तों यहाँ पे लास्ट में बता दे रहा हूँ, ये स्प्रे जेट जो होता है इसके अंदर, उसको देख के यहाँ पे कनेक्टिंग को उधर से ठोकना पड़ता है। ये कौन है? दोस्तों इसका कंप्रेसर दिखा रहा हूँ, देखिए कितना मस्त कंप्रेसर बना रहा है, साउंड सुनिए। दोस्तों जो 10 टुपलर होता है उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा टच किए थे, अब ये बीट लगा के इसको फुल टाइट कर लेंगे। खाता आप लोग कैसा चिकन? दोस्तों यही वोर है जो ऊपर पिस्टन सब बराबर से रख लिए, अब ये हेड गैसकेट जो होता है उसको डाल के देखते हैं। अब इसमें हेड को फिलअप कर देंगे, हेड को आदमी हमारे गाँव जाके आया, गाँव तो रहता वो लड़का। दोस्तों तो यही है इसका हेड है, मैं जाऊंगा जी। मैं कौन सा यहाँ घर बनाने आया है?
तो यहाँ पे देखिए बोर और हेड असेंबली हो गया है, और उसमें हेड गैसकेट डाल के हेड भी डाल दिए, इसका बोल्ट डालेंगे। इसको तो इसको फटाफट से टाइट कर लेते हैं, टाइट करने के बाद फुल टाइट करेंगे, उसमें वीडियो आपको दिखाते हैं, चलिए वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों ये बुलेट डाल रहे हैं उसके ऊपर, देखिए टाइप ही टीसी को बुलेट बोलते हैं। इसको क्लीन से अंदर बैठाएंगे, फर्स्ट इसमें चेक कर लेंगे ये एक इसके अंदर ये एक्शन करता है, चेक करेंगे इसमें एक्शन कर रहा है कि नहीं, देखिए एक्शन कर रहा है। वो सबको इसी तरह चेक करके इसमें स्टेप बाय स्टेप डालना पड़ता है। दोस्तों सब बुलेट पे थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ देंगे ताकि ये फ्री रहे। क्या जी हुआ, दोस्तों ये MZ5 का मारुति जो है, मारुति का ये पैकिंग डालेंगे ओरिजिनल। दोस्तों यहाँ पे टॉप लिखा है, टॉप को ऊपर करके डालेंगे। इसका सिलीव लिया है सर, दोस्तों तो फाइनली इसका जो वाल डोर है इसमें डालने के लिए रेडी है, सेटअप रेडी है। देखिए इसको डाल रहे हैं वाल डोर को, क्लीन से इसको ऊपर देख लेंगे, रखिए ना। दोस्तों इसको डालने से पहले एक चीज़ जो इसके अंदर होता है पिस्टन, वो 4V1 लेवल में रहना चाहिए। उसको फाइनली इसमें बोल्ट डालेंगे। दोस्तों ये जितना भी बोल्ट दिख रहा है सब सेम साइज रहता है, बट यहाँ का एक होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, वो ध्यान से डालना रहता है देख के। मैं बेस्ट रखिए जी, हाइट वन देख सकता है, डिस्क कोटी के लिए अदर लिखा है, इसको ना इस तरह इंटर बैक की रिव्यू। दोस्तों तो यहाँ पे इसको फाइनली टाइट कर दिया जा रहा है, अब ये फाइनल है, ये टाइमिंग डालने के लिए रेडी हो जाएगा। इसको राउंड फिरा के देख लेंगे, दोनों जो ऊपर का कैम शाफ्ट है वो फ्री है। दोस्तों यहाँ पे फाइनली ये टाइमिंग चैन का जो दोनों साइड का ये पैड होता है वो भी डाल दिए, टाइमिंग चैन भी डाल दिए। अब इसको टेंशनर को थोड़ी देर में खींचेंगे पूरा चेकअप करने के बाद। दोस्तों यही है इसका इसका लॉक करने के लिए होता है जो कैम शाफ्ट होता है ऊपर का,
और एक बैक साइड में, ये हम लोग चेक करके डाल दिए। यहाँ पे इसको लॉक रखेंगे और फ्लाईव्हील डाल के, गियरबॉक्स डाल के, इसके अंदर एक फ्लाईव्हील लॉक आता है उसको डाल के, उसके बाद फाइनली चेकअप करके ये टेंशनर का जो लॉक होता है इसको निकाल देंगे। दिखाते हैं, आप वीडियो देखते रहिए। दोस्तों जो फ्लाईव्हील का बोल्ट होता है, इसमें मैं नहीं बता पाया, कहीं पर बिजी था। ये वोल्ट में ये पक्का लगाया, ये टेपलन टेप होता है, क्योंकि वो वोल्ट जहाँ पे टाइट होता है उसमें आयल का सर्कुलेशन रहता है। यहाँ पे गियर बॉक्स डाल रहे इंजन को, गया। दोस्तों तो ये यहाँ पे इसका ये लॉक हो गया फ्लाईव्हील, वो स्क्रू ड्राइवर डाला जाता है, देखिए उसका फिट लग रहा है। दोस्तों एक बार फाइनली चेकअप यहाँ पे कर लेंगे, एक राउंड फिरा के। अब यहाँ पे लॉक देखेंगे, थोड़ा तो यहाँ पे लॉक हो गया। अब इसके नीचे जो होता है कैम का लॉक, वो मिला, कैम का लॉक। दोस्तों तो यहाँ कैम का लॉक एकदम परफेक्ट है, इसको टाइट करके चेक कर लेंगे। दोस्तों तो ये इसका आयल केस है, और ये आयल पंप जो दिख रहा है ये रनिंग में फेल होने की वजह से इसका नया आयल पंप ये डालना पड़ रहा है, आयल केस। दोस्तों इसको एक बार फाइनली चेकअप कर लेंगे, और इसका आयल केस जो है जो इसको हमने फ्लिप करने वाले हैं। आयल पंप है, इसको आयल पंप को थोड़ा इधर उधर नचा के देख लेंगे, इसमें आयल जो है उसमें डाले हुए फुल इधर राउंड होना। भाई साहब तो यहाँ पे पूरा देखिए अच्छे से फिटिंग हो गया। अब इसको बाहर चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसमें बहुत झमेल होगा स्टार्ट करने में। अब इसको डायरेक्ट गाड़ी में लेके चलते हैं, चढ़ाते हैं, स्टार्ट करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे पूरा ये असेंबली होकर रेडी हो गया इंजन। दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि एक दूसरे मैकेनिक भाई लोगों को हेल्प होता है, और जितने भी कस्टमर है जो भी देखते हैं उनको थोड़ा अच्छा फीलिंग होता है। यही स्विफ्ट डिजायर का इंजन हमने यहाँ पे ओवर ऑयलिंग किया है, जो आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाई स्टेप बताया है। वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको अब वीडियो को रोक देते हैं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा फिर देखने वाले को थोड़ा अजीब लगता है। दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक हमारे इस R&D कार सर्विस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अच्छा बनाओ तो सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन जाए।
जय हिंद दोस्तों।